हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम चालनी. सो अभी रिसेंटली मेरे को ऐसा ब्लॉग बनाने का मन किया, क्योंकि अभी ना मेरे को मतलब एक नया सा सरप्राइज मिला है छोटा सा. तो अभी मैं दिखाती हूँ सरप्राइज में क्या है. तो चलो आपको दिखाती हूँ. चलो अभी ये है हमारा सरप्राइज जो कि आया है इम्फाल से बिकॉज, और इम्फाल से इसलिए बिकॉज वहाँ से लाए, मतलब लाए नहीं है, मौसा जी ने भिजवाया है न्यू ईयर गिफ्ट. मतलब हमें तो पता भी नहीं था, बट अभी अभी आया है तो फिर मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं. तो लेट्स सी, अभी मम्मी पापा इसको ओपन करेंगे, फिर आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाते हैं. तो आई थिंक ये रजाई है और कंबल, रजाई है ये, और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरे को, रेड कलर की. ये देखो वंश ने ढक लिया पहले. ये देखो कितना अच्छा रहा है. मसा जी देख तो ले, कैमरे की तरफ को देख तो ले, कैसा है बता, कैसा है, गर्म है. और ये लिटरली इतना सॉफ्ट है और इतना ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये रेड. अच्छा है ओके. तो अभी हम मौसी को वीडियो कॉल करके थैंक यू बोलते बहुत सारा. दीदी कॉल कर रही है, करो जल्दी. तो है तो करना पड़ेगा मुझे, इसके घर में तो टाइगर में लाते नहीं जाते. बैक कैमरा से ताकि इसके घर में फोटो करे बाबा वंशी होती. हेलो मौसी, कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आ गया गीता, बहुत सुंदर, एकदम इसका कलर बहुत अच्छा है. मौसा जी को दिखाओ, मौसा जी को दिखाओ, मौसा जी को दिखाओ, बोला ये लो. Yeah, तो अभी फिलहाल हमने गिफ्ट अनबॉक्स कर लिया है, तो अभी हम करते हैं डिनर और देखते हैं डिनर में मम्मी ने क्या क्या बनाया. चलो, तो आज मम्मी ने बनाया है खाने में गोद की दाल और हरी सब्जी. तो ये जो दाल है हमारी, ये है उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा फेमस दाल, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सर्दियों में खाते इसे. तो चलो खाना खाते हैं अब. तो ये है मडवे का आटा, और अभी मम्मी इसे बना रही है रोटी. अब तो ये है हमारी लेसू की रोटी. तो मडवे की जो रोटी होती है वो अलग से बनाते हैं, इसी हमको पर वैसे पसंद नहीं आती, मुझे ऐसी अच्छी लगती है. इसको हल्के आँच पर सेकेंगे तभी तो अंदर तो पके गए, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा. ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने डिनर कर लिया है, और अभी इस ब्लॉग को एंड करता है. होप आपको पसंद आओ, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.